ये देखिए जी, मदनी सोडा के नाम से इनकी रेडी है। ये वहीद अतारी साहब हैं, अल्लाह के यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा तो पिछले तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पे ये रेट लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शहजाद और आप दिख रहे हैं रिश्ता करते। आज बहुत शदीद गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। अभी भी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से मुझे छांव मिली है। ये भर के कुछ साइड मिल गई थी मुझे, तो एक ये ग्रीनरी सी लगी है साइड के ऊपर, लेकिन ग्रीनरी तो दीवार के साथ साथ है। लेकिन इस वक्त आज धूप बहुत शदीद है, गर्मी इस कदर है ये बता नहीं सकता मैं आपको। अभी तक 2 से 3 दफ़ा नहीं, बल्कि ये देखें पानी की बॉटल मैंने ये जो ना, ये देखें 4 दफ़ा पानी की बॉटल पी चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना गर्मी जो है ना वो कोई तबीयत ठीक नहीं हो रही। बार बार दिल घबराई जा रहा है, गर्मी बहुत शदीद होती जा रही है। गर्मी की वजह से तो आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। रास्ते में देखते हैं कहीं पर जाते हुए पानी पर भी देखते हैं क्या लगा हुआ है गर्मी को दूर भगाने के लिए, कौन से शरबत लगे हुए हैं या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो पीते हैं दिखाते हैं फिर आपको। आज का दिन तो बहुत शदीद गर्म है, मैं तो आपको बता नहीं सकता। अभी ना आजकल मुझे चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अल्लाह बख्शे हमारी दादी हुआ करती थी, तो वो हमें ना जब इस तरह के दिन आते थे ना, तो वो घर में सत्तू ले आती थी, कभी वो लीमू पानी बन रहा है। बाद में उस दिनों पे ना हमारे वहाँ अपने घर के ऊपर हर साल ना हम ना बनाया करते थे स्क्वाश। स्क्वाश हमारे घर पे तकरीबन जब तक वो जिंदा रही है वो स्क्वाश बनती रहती थी। उस स्क्वाश की वजह से ये होता था, जैसे ही गर्मी आती थी फिर हमारे पास ऑलरेडी होती थी, फिर हम स्क्वाश जो है वो रोजाना की बेस पर बननी, तम्मी हमारी सुबह से उठते हैं स्क्वाश जो और बना के दे देनी। बाद में इस तरह से और कुछ चीज़ें होती थी, जैसे कोई आना, ये आजकल जो गर्मी को कम करने के लिए तरबूज है, फिर पहले खरबूजा आ जाता, तरबूज हो जाता था। तो अभी खैर तरबूज तो खैर अभी भी आ रहा है, लेकिन स्क्वाश वाली जो चीज़ है ना वो आपको आजकल ख़त्म हो गई है। बहुत आज गर्मी बोला नहीं जा रहा, आज बहुत शदीद गर्मी है। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, तो वो कहते हैं जी आप कहाँ पे हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो इधर बाजार में ही हूँ। कहते जाते जाते ना मुझसे मिलते जाएँ, उन्होंने जनाब मुझे बुला लिया जी ये न्यू क्योटा कैफ़े के ऊपर। अब न्यू क्योटा कैफ़े जो है ये है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, कहते जी मैं इधर बैठा हूँ तो आप इधर आ जाए। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ यहाँ पे, बैठे क्या बना लगे, चाय बनाने लगे हैं, ये बनाना करूँगे। तो अभी चलते अंदर, फिर चल के देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। जी न्यू क्योटा कैफे के ऊपर ये शेफ हैं, उनसे चाय बनाते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हाँ जी काशिफ साहब, क्या लेके आए हैं अब हमारे लिए, क्या लेके आए? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अलग लगता है कुछ इतनी गर्मी में पराठे और चपली कबाब। चपली कबाब कहाँ से लेके आ गए आप? ये कहाँ से ले आए हैं? जिले नाज़रीन देखें, आज इतनी गर्मी में जनाब ये चपली कबाब और साथ में पराठे, चलें खाते हैं और फिर आपको इसका टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। जना काशिफ साहब ये भी बताएंगे ये पराठे कैसे हैं और ये चपली कबाब कैसे हैं, करें शुरू करके चेक करके बताएं कैसे हैं। ये इधर से इन्होंने जनाब चपली कबाब की बाइट ली, अभी ये इसको टेस्ट करें, देखते हैं ये बताते हैं कैसा है। माशाल्लाह मज़ेदार है। चलें हम भी इसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे आजकल में ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं, लेकिन ये काशिफ साहब को मैं कह रहा था गर्मी बहुत ज्यादा है, उन्होंने देखी थी हमारे जाके कबाब और साथ में लच्छा पराठा और लच्छे पराठे के साथ दही और रायते का साथ अच्छा। चलिए भूख लगी हुई है, अब जब भूख लगी हुई है ना फिर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती, सब यही समझ आता है कि जो मिल रहा है उसको खा लें। खाना खाती हूँ। तो
क्वेटा चाय के ऊपर लोग ना जो है क्वेटा होटल के ऊपर लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन यहाँ के ऊपर ना इनकी जो सौगात है ये जो वहाँ पे कहवे चलते हैं ना क्वेटा में वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए हमने एक मंगवाया इनकी ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ इसके अंदर जो है नीचे क्या डला हुआ है उनका ग्रीन टी सा जो वो भी है, कावा जो है ना उसके लीव्स वो है, और साथ में ये एक और कावा है। इस कावे का क्या नाम है यार? ये सुलेमानी कावा। साथ में उन्होंने हमें ये शक्कर दी है कि जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी इसको ले सकते हैं। तो अभी गर्म बहुत है, इंशाल्लाह ताला पीते हैं फिर बाद में इसके टेस्ट के बारे में। ये देखिए कि रेड लिस्ट इनकी ना कुछ देर पहले हमने मंगवाए थे इनसे ना दो कावे, एक सुलेमानी सादा चाय थी और साथ में इनके साथ एक और कावा था वो ग्रीन टी भी। तो ग्रीन टी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, इसके अंदर ना उसके लीव भी थे। लीव से ना मैंने इनसे पूछा तो कहते इसी तरह से होता है, तो माशाल्लाह बड़ा आदमीदार होता है। तो ये बहुत अच्छा टेस्टी था इतना। तो ये रेट्स वगैरह देखिए इनके क्वेटा होटल के बहुत अच्छे मुनासिब रेट हैं। जब भी जहाँ पे विजिट हो तो आपको जो पहले पता हो कि चीज़ें आपके कैसे हैं। ये काशिफ साहब अभी सुलेमानी जो कहवा वो करके अभी बैठे हैं, तो बस इंशाल्लाह ताला निकलने लगे यहाँ से। खाना हमने खा लिया, फ्री हो गए तो अब यहाँ से जा रहे हैं। कहवा माशाल्लाह बहुत अच्छा था यार इनका, पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो ये तो इन्होंने ट्राई करवाया, ये पीते रहते माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कहवा था। ये लोग सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है यहाँ के ऊपर के जो क्वेटा होटल है वहाँ से सिर्फ चाय मिलती है, लेकिन बस और भी कुछ वैरायटीज़ है, पराठा भी है, पराठे की बड़ी वैरायटीज़ है इनके ऊपर ना, तो पराठे मुख्तलिफ तरह बनते हैं। ये किसी और वीडियो में टोटल कवर करेंगे, आज तो जस्ट क्योंकि वैसे ही मैं कोई और काम करने जा रहा था, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही थी, अभी भी है आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने खाना खिला दिया, लेके बैठे हुए थे पहले लेके आए हुए थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किस दिन आते हैं क्वेटा होटल को होटल कवर करने के लिए, इसके ऊपर यहाँ पर किस तरह के पराठे बनते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि पराठे कैसे हैं, और इनकी बहुत सी और भी वैरायटीज हैं यहाँ पे जो बनाते हैं। ये देखिए जी मदनी सोडा के नाम से इनकी रेडी है, ये वहीद तारी साहब हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा तो पिछले तकरीबन 2-3 साल से यहाँ पे ये रेट लगा रहे हैं, बड़ा अच्छा और साफ सुथरा निज़ाम है इनका जो यहाँ पे रखा हुआ है, हर चीज़ ग्राहक के सामने तैयार करके देते हैं। ये देखिए अभी भी ये इन्होंने अपने लिए तैयार करके रख रहे हैं ताकि कस्टमर आएगा तो उसको आते ही ये बना के दे देंगे। ये इनका नाम है और ये है कनाल रोड के ऊपर ना, अगर आप इधर से बताएं आपको कनाल रोड के ऊपर है, मदीना टाउन से अगर निकलते हैं तो बाहर कनाल रोड के ऊपर ये ट्रीट बेकरी के बिल्कुल सामने इनका ये सेटअप है, ये लगाया उन्होंने जहाँ पर वही दतारी साहब ने। इसका तो शदीद गर्मी है यार कि यकीन माने 2 किलोमीटर का सफ़र करना भी मुश्किल है। रस्ते में ये ना एक रेडी लगी हुई थी, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम क्या आपका? वही दत्ता। ये वही साहब हैं, इनके पास ना माशाल्लाह से इनका बड़ा अच्छा सेटअप है, ये देखिए बड़ा साफ़ सुथरा है यहाँ पर। तो ये आप इनसे कुछ पीते हैं, पहले भी यहाँ पर रेडी लगाते हैं, आज इनसे कुछ पीते हैं, ये क्या शरबत है जो कुछ बना कर देंगे। आज कह रहे हैं मैं कुछ स्पेशल चीज़ देता हूँ आपको बना के, तो चलें देखते हैं क्या बना के। ये अब ये कोई अपनी तरफ से ना इन्होंने अपना बना के रखा हुआ है, ये स्पेशल ही है, बॉटल में पैक करके लेके आते हैं। तो अभी देख रहे हैं जी गर्म इसकी मेकिंग, इसको उन्होंने तैयार भी कर लिया है, इसमें सिर्फ बर्फ़ डाली है, बर्फ़ में डाल के ना ये पहले नहीं इन्होंने रखा हुआ बर्फ़ में डाल के ना, कुछ लोग तो पहले रख देते हैं। लें जी ये तैयार हो गया, अभी पीते हैं तो फिर बताते हैं आपको माशाल्लाह से ये कैसा है। ये ना गर्मी की तपिश को कम करने के लिए ना अभी मैंने ये बनवाया इनसे, ये इनका स्पेशल भी है, ये बना के देते माशाल्लाह से। इन्होंने ना सोडा और साथ में ना इन्होंने इमली आलू बुखारे का कोई शरबत है उसको मिक्स करके इन्होंने बनाया यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छा और माशाल्लाह साफ़ सुथरी चीज़ है। मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त मेरी कैसी फीलिंग्स हैं इस
इसको पीने के साथ। माशाल्लाह से पीते ठंडक पड़ गई है। अभी इसे आने से पहले मैं 2-3 बोतलें ऑलरेडी पानी की पी चुका हूँ, लेकिन बता नहीं सकता कि क्या हालत है इस वक्त। गर्मी ने जान निकाली हुई है। हो ये रहा है कि कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, हफ्स भी है। आज का दर्जे हरारत 41 पे है, 41 पे ये सूरत हाल है। कल तो 44 था, कल तो इससे भी ज़्यादा गर्मी थी। आज तो गर्मी ने ना मत मार के रख दी। अब उसके बाद जब मैंने पानी पी के निकला हूँ तो बहुत शदीद गर्मी थी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस में पहुँचा, फिर वहाँ पर भी जा जाके पानी पीता रहा। तो अभी जो है वो मौसम कुछ चेंज हो गया है, 6 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था ऑफिस से निकले, तो आज का तो आपको बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी। अब गर्मी की वजह से इस वक्त हालत बहुत गैर हो रही है। तो अभी रह गया था वो आपको, बहुत ज़्यादा हालत जो है ना वो गैर हो रही है गर्मी की शदीद होने की वजह से। अब ठंडा हो गया तो अब निकले घर के लिए, तो अब घर पहुँचते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है, और मैं आपकी सपोर्ट के बगैर ये मेरा चैनल ग्रो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, किसी नए टॉपिक।